उपेंद्र कुशवाहा डील की बात कर रहे हैं सर। सवाल अपने बोलेगा, बोले कुछ डील हुआ है महागठबंधन में सर? प्रवक्ता बताएंगे ना हमारे। क्या क्या है सर आज, क्या क्या समस्या आया? जन नायक कर्पूरी ठाकुर का आज जो है 99वां जयंती समारोह मनाया गया राष्ट्रीय जनता दल में। 20 सेकंड के लिए तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, उसके बाद वहां से निकल गए। लेकिन एक दिन पहले जो है उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया कि महागठबंधन होने से पहले कुछ डील हुई थी और उस डील पर जो है बात नहीं हो रही है। जब ये सवाल जो बिहार के मंत्री हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं रामानंद यादव, उनसे सवाल पूछा गया तो क्या कुछ उनका कहना है, पहले आप वो सुन लीजिए। सवाल अपने बोलेगा, बोले कुछ डील हुआ है महागठबंधन में सर? प्रवक्ता बताएंगे ना हमारे। क्या क्या है सर आज, क्या क्या समस्या आया? बहुत समस्या, जनता जनता मिला, बहुत तरह के समस्या था, उसका निदान किया गया। आपने बोलेगा सर उपेंद्र कुशवाहा पर? प्रवक्ता अधिकृत है। ठीक, कर्पूरी जयंती है आज सर, क्या कहिएगा मंत्री? मंत्री जी आज हम लोग जनता दरबार है, प्रवक्ता लोग से पूछिए, प्रवक्ता डिटेल बता देंगे। कर्पूरी ठाकुर जी हम लोग के नेता थे, गरीब अल्पसंख्यकों के लीडर थे और गरीबों की आवाज उन्होंने सड़क से सदन तक उठाने का काम किया। उपेंद्र कुशवाहा डील की बात कर रहे हैं सर। आपने मंत्री जी को सुन लिया, उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है बीते एक सप्ताह से कि ये सरकार रहेगी या सरकार जाएगी, लेकिन जो चीजें आ रही है निकल करके, क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज देखा गया, पहले जो नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज बता रहा था, अब थोड़ा कसे कसे रहने लगे हैं। पहले हर जगह पहुंच रहे थे तो तेजस्वी यादव को साथ में लेकर के जा रहे थे, अब जो है कहा जा रहा है कि कई ऐसे बैठकें हुई हैं जिसमें जो राजद कोटे से मंत्री हैं वो उसमें बैठ नहीं रहे हैं। ये पूरा मामला तब चालू होता है जब उपेंद्र कुशवाहा जो है वो एम्स में जाते हैं, बीजेपी के कई नेता वहां पर बैठते हैं, उसके बाद नीतीश कुमार से पूछा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा कुछ प्रॉब्लम में है, तो वो कहते हैं कि वो तो कई बार पार्टी छोड़ चुके हैं, कई बार पार्टी में आ चुके हैं, तो उनको बोलिए कि हमसे वो बात कर लेंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से अफसरशाही चरम पर इसको लेकर के खास करके तेजस्वी यादव को ये पसंद नहीं है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि दोनों में खास करके महागठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं दोनों में एक तरह से मनमुटाव चल रहा है। हालांकि जब हमने ये सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ भी जवाब देने से इनकार किया, और एक बार फिर से ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से जो है वो पलटी मार सकते हैं या नहीं मार सकते हैं। फिलहाल जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।